औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 50 शैनिया अस्पताल के ठीक सामने विगत कई वर्षों से संचालित हो रहे गोविंद हॉस्पिटल में एक पेशेंट पैर व गर्दन में दर्द समस्या से ग्रसित आया, जिसे प्राइवेट अस्पताल प्रशासन द्वारा गारंटीड इलाज का भरोसा देकर भर्ती करा दिया गया। इसके उपरांत अस्पताल स्टाफ ने गलत ट्रीटमेंट किया, जिसके चलते अधेड़ युवक की मौत हो गई, जिसे मृतक पेशेंट के परिजनों में आक्रोश फैला हुआ है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही व गलत इलाज का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा काटा। परिजनों द्वारा हंगामा होते देख व बवाल बढ़ता देख अस्पताल प्रशासन धीरे से फरार हो गया। प्राइवेट अस्पताल में गलत इलाज के दौरान हुई मौत व हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व क्षेत्रधारी औरैया, जिन्होंने तत्काल ही सारी घटना से सीएमओ औरैया को अवगत कराया, जिस पर तत्काल ही सीएमओ औरैया मौके पर पहुंची व अस्पताल को सील करने के आदेश दिए। मौके पर पहुंची सीएमओ औरैया अर्चना श्रीवास्तव ने जो बताया वह काफी चौंकाने वाला था। दरअसल इस अस्पताल को अभी कुछ दिन पूर्व ही निरीक्षण करके खुद सीएमओ ने इस अस्पताल को बंद कराने व सारी व्यवस्था ठीक ना होने तक बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अपनी मनमानी दिखाते हुए इस अस्पताल के संचालक गोविंद द्वारा लगातार अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। इससे पूर्व भी इस अस्पताल में भर्ती कई मरीज की जाने जाने के बाद कई बार सील हुआ और खुल भी गया और चलने भी लगा, लेकिन अब की बार सख्त कार्रवाई की बात सीएमओ द्वारा कही गई है। गोविंद अस्पताल, जो कि सदर कोतवाली क्षेत्र में 50 शैया अस्पताल के ठीक सामने कई वर्षों से अनावृत संचालित होता चल रहा है, कई बार इस अस्पताल को सील किया गया, लेकिन अस्पताल संचालक की सेटिंग व ऊंची पहुंच के चलते हर बार अस्पताल सील तोड़कर मरीजों की जान लेने व रुपये लूटने के लिए खुल जाता है। हर सीएमओ सख्त कार्रवाई की बात कहकर इसे सील करेंगे और कुछ दिनों बाद सबके भूलते ही फिर से संचालित होने लग जाता है। आखिर कब होगी ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई? खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।